इस वक्त पे कश्मीर ही के एक सीनियर तरीन साफी है, जो मेरा ख्याल है कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी, ये खुद और इनका इनके वालद और इनका, मैं समझता हूँ कि पूरा खानवादा जो है, कलम इनका जो पूरा सरबाया है और कलम को लेकर ये गुज़श्ता 50-60 साल 70 साल से ये इस सहाफत में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं अतर मसूद वानी साहब, तशरीफ़ फरमाते हैं। मैंने इनको बिलखसूस आज दावत दी कि कश्मीर के हवाले से और चश्मा जो आज लॉकडाउन को मुकम्मल हो चुके हैं उस हवाले से आज मुकम्मल गुफ्तगू करें कि कश्मीरी इस वक्त किस हाल से गुजर रहे हैं और किस कर्ब और किस मुश्किल में गुजर रहे हैं कि एक तरफ तो उनके यहाँ लॉकडाउन है और दूसरी तरफ जो ये इस वक्त जो कोरोना की बीमारी है और दूसरी तरफ जो चाइना इस इंडिया ने इस वक्त वहाँ उनकी फसलों को, उनकी तजारत को टोटली तबाह कर दिया गया है और वहाँ ना कोई मेडिसिन है, ना कोई इस वक्त हॉस्पिटल फंक्शनल है, ना कोई बैरूनी दुनिया से कोई आदमी आ रहा है, ना उनकी आवाज़ कहीं बाहर जा रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज कश्मीर के हवाले से और इस 10 महीने को सामने रखते हुए वो तफसीलन गुफ्तगू करें। मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपकी मेहरबानी, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। बड़े दिनों से मुझे इंतज़ार था और आपको बहरहाल हमने दावत दी, लेकिन बहरहाल आज आपने वक्त निकाला, बड़ा शुक्रिया। तो इस हवाले से आप अपने नाज़रीन को बताएंगे और बिलखसूस लद्दाख, ये जो हमारे साथ एक वीडियो है नाज़रीन, इसको भी देखिएगा कि चाइना इस वक्त इंडिया की फोर्सेस के साथ किस तरह से वो निमट रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा। और मैं उसके बाद कहूँगा कि मसूद साहब आप अपना ये इनपुट दें, इसी लद्दाख से शुरू करते हैं और हम आगे चलते। बहुत शुक्रिया महमूद गदी जी साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। जहाँ तक ये लद्दाख के मामले का ताल्लुक है, ये तमाम अगर इसका पस मंज़र देखें, ये तमाम का तमाम इंडिया ने जो 5 अगस्त को किया था, इकदाम किया था, एक उसने ये फैसला कुल इकदाम किया कश्मीर की रियासत को हथियाने का, जो यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल की कर्जादों के मुताबिक पूरी दुनिया में था कि कंट्रोवर्शियल स्टेट है ये, जिसके मुस्तकबिल का फैसला, वो सियासी फैसला वो होना भी बाकी है कश्मीरियों की रायशुमारी के ज़रिए। इंडिया ने सोचा शायद अब हम ताकतवर हो गए हैं। अच्छा, थोड़े से नाज़रीन हमारे साथ है, प्रेस क्लब।